तो वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चेहरे को लेकर दिया कुमारी का बयान सामने आया और कहा कि विद्याधर नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी घोषित की गई है दिया कुमारी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोली, कमल का फूल सीएम का चेहरा और बीजेपी के लिए सभी सीट सुरक्षित है, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। विद्याधर नगर में पीएम मोदी की रैली को लेकर बोली, अभी प्रस्तावित जब भी रैली होगी तो क्षेत्र और हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं आपको बता दें कि जयपुर में विद्याधर नगर से दिया कुमारी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया और जिसके चलते नरपत सिंह राजवी को इस बार टिकट नहीं मिल सका। वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी की नाराजगी पर दिया कुमारी ने कहा कि मैं उनके परिवार का सम्मान करती हूं, कुछ भी नहीं कहूंगी। भैरव सिंह जी मेरे पिता समान है और मेरे पारिवारिक रिश्ते थे उनसे। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन राजवी जी से बात की थी और मैंने कहा था चुनाव लड़ने के लिए मुझे आशीर्वाद दे, आपका सपोर्ट दे, उन्होंने सहयोग देने की बात कही थी। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। भैरव सिंह जी का हमेशा हमारी दादी सरकार पिताजी से जुड़ाव रहा है और हमारा परिवार उनका सम्मान करता था, इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ। भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं तो यही कहूँगी कि आप पधारे, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट दें। कल आपने उनसे बात भी की थी, कुछ एश्योरेंस मिला इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैंने देखिए बात तो मैंने उसी दिन की थी जिस दिन मुझे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिलूंगा, उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई। और मैं तो यही चाहूँगी कि वो हमारे साथ ही रहें, परिवार हैं वो भी, और मेरे लिए तो भैरव सिंह जी एक परिवार ही रहे हैं हमेशा। मेरी तो दादी सा का उनसे इतना जुड़ाव रहा है और पिताजी का भी और मेरा भी, तो इतना मैं तो उनको इतना सम्मान करती हूँ, तो बिल्कुल मैं इस पर कुछ नहीं कहना। और जयपुर से